अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग सेमेस्टर वन का एनपीओ चैप्टर जो है वो बनाएंगे। बाकी सारा चैप्टर जो था हम लोग वो कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद आपका सेमेस्टर वन का जितना भी अकाउंट्स में चैप्टर था वो लोग हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसे हम लोग क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप लोग को कुछ कुछ याद होगा। और जो बच्चे नहीं पढ़े एकदम वो मैं यहाँ पे बता दूंगी, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता क्या है, उसके बाद ही ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले होता है नॉट फॉर क्वेश्चन ही, देखिए चैप्टर में ही इसका मीनिंग लिख दिया है, लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सोशल सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसको हम लोग कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे इसका साफ साफ मीनिंग भी लिखा हुआ है। मान लीजिए एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि सिर्फ इस एम से बनाया जाता है कि वो सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर सके सर्विस, ना कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। उसको हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया चैरिटी, आर्ट, साइंस, ये सबको प्रमोट करने के लिए। तो जैसे कुछ यहाँ पर आपको देखिए लिया हुआ कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसा नेचर का होता है, तो आप लिख सकते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इसलिए नहीं ओपन किया जाता कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। हॉस्पिटल का मेन एम होता है कि वो आदमी लोग को मदद, मतलब हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करे। और मेडिकल हो गया, नर्सिंग हाउस हो गया, ऑर्फनेज हो गया, फिर जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से यहाँ सोशल, स्पोर्ट्स, कल्चरल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल्स, कुछ 9 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नहीं ओपन किया जाता। उसका मेन एम जो होता है वो होता है प्रोवाइड करना सर्विस सोशल सोसाइटी को, ठीक है। क्वेश्चन में आपका दिया, जो 12 में पढ़ चुके हैं वो लोगों को तो पता होगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। उससे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, एकदम फ्रेशर है, न्यू है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि रिसीप्ट एंड पेमेंट जो है वो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, फिर उसको देख के आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। उससे पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो आपको आइटम पता रहना चाहिए ना कि हाँ कौन सा आइटम रिसिप्ट का है, कौन सा आइटम पेमेंट में का है। क्योंकि जो आइटम रिसिप्ट का होगा वो जाएगा एक्सपेंडिचर में, जो आइटम पेमेंट करेगा वो जाएगा इनकम में, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो आप एक बार ये इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से एक पेज में लिख लीजिएगा। और है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अभी मैं आपको क्वेश्चन में बता ही दूंगी। देखिए हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो कैपिटल रिसिप्ट रहता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। और ये कैपिटल पेमेंट जो रहता है, आपको याद रखना पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। तो आप बोलिएगा कि जहाँ हमको कैपिटल रिसिप्ट ही नहीं पता, आप पहचानिएगा तभी ना आप डालिएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी, सब्सक्रिप्शन, पैसिफिक पर्पज़ डोनेशन हो गया, ग्रांट हो गया, एंट्रेंस फ़ी, लेगेसी, एंडोमेंट फंड हो गया, ये सब आइटम अगर दिख रहा है आपको क्वेश्चन में कैपिटल रिसीप्ट में, तो आप उसको आंख बंद करके उठा करके कहाँ डालिएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको पुट कर देना। इसी तरीके से अगर कैपिटल पेमेंट दिया हुआ है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में पुट होगा। यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है कि कैपिटल पेमेंट को उठा के इधर डाल दे रहे हैं और कैपिटल रिसीप्ट को उठा के इधर डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? उसके बाद मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का दिखा देती हूँ। देखिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसके बाद अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, तब आपको याद रहेगा। ऐसा ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर विद अ पेड ड्यू और आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्री पेड एक्सपेंसेस फॉर करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा,
सबसे पहले आपका रहेगा देखिए एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंस रहेगा जो कि सैलरी के नेम से डोनेट किया जाता है क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग अगर करेंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ठीक है, एंड एडवांस रहेगा तो वो भी ऐड होगा अगर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग इन द। आपको ये मैं आपको लिखवा दूंगी मगर आपको यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग मतलब रहेगा क्लोजिंग सैलरी रहेगा मतलब लास्ट ईयर का, तो उसको हम ऐड करेंगे। और एडवांस पेमेंट किया जा रहा है प्रीवियस ईयर का उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, और बिगनिंग मतलब करेंट ईयर का रहेगा तो उसको हम लोग लेस करेंगे, और एडवांस करेंट ईयर का दिया जाएगा उसको भी हम लोग लेस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड रहेगा तो उसको हम लोग लेस करेंगे, प्रीपेड रहेगा कब जब प्रीवियस ईयर का प्रीपेड रहेगा तो प्लस करेंगे और करेंट ईयर का प्रीपेड रहेगा तो माइनस करेंगे। तो आप ये सब एक बार लिख लीजिएगा, आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा ठीक है। देखिए और भी है, जब गुड्स दिया रहेगा तो परचेज ईयर फिर क्रेडिटर, इस तरीके से आपको ये सारा आइटम याद होना चाहिए, आपको याद हो जाएगा। बस आप 2-3 या 5-10 क्वेश्चन बनाइएगा, आपको अपने अपने याद हो जाता है रिवीजन से। समझ में आया? और हाँ जब सरप्लस जब जो प्रॉफिट होगा तो हम लोग सरप्लस लिखते हैं, और जब प्रॉफिट नहीं होता है लॉस होता है तो हम लोग डिफिशिएंट लिखते हैं ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। फंड ओपनिंग बैलेंस में हम लोग ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ी ओनली, एंट्रेंस फ़ी जो कैपिटलाइज होगा, एंड लेगेसी सबको हम लोग प्लस करेंगे तो एंड सरप्लस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अनलेस होगा डिफिशिट फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम लोग को कैपिटल फंड का क्या करना पड़ेगा, पहले लाइफ मेंबरशिप फ़ी को एंट्रेंस फ़ी को लेगेसी और सरप्लस को प्लस करके माइनस डिफिशिट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है तो आप ये सबको लिख लीजिएगा एक बार। बैलेंस शीट बनाना है हम लोग को तो यहाँ पे बैलेंस शीट का आइटम भी आपको याद रखना पड़ेगा, मैं अभी बताई थी लाइफ मेंबरशिप इंडेम फंड जो भी रहेगा कैपिटल रिसीप्ट जो भी रहता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाता है, एंड कैपिटल पेमेंट जो रहता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स तरफ जाता है। तो आप मिला लीजिए, देखिए उसी तरीके से गया है ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड व्हाट इज़ एनपीओ, एनपीओ क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, बाय बाय।